हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं लेकर आई हूँ आम का छुंदा रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ मैंने लिया हुआ है 2 छोटे आम। इसे मैंने अच्छे से धो के, इसके छिलके निकाल के इसे मैंने ग्रेट किया हुआ है। यहाँ हम ले रहे हैं 100 ग्राम शुगर। शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो कम कर दीजिए, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/3 टेबल स्पून इलायची पाउडर। इससे छुंदा का टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाता है। और यहाँ मैं ले रही हूँ तीखी सूखी लाल मिर्च कुटी हुई 1/3 टेबल स्पून। ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको न डालना हो। तो इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आप सभी को मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम बनाएं आम का छुंदा। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक छोटा पैन लेना है। पैन में मैं ऐड करूँगी ग्रेट किए हुए आम को। और अब मैं इसमें डालूंगी शुगर और इसे हम लो फ्लेम पे कुक करते रहेंगे जब तक कि शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। शुगर हमारा धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है तो अब हमें इसमें ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च और इलायची पाउडर। मिक्स करेंगे और अब हम इसे लो फ्लेम पे कुक होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो गया है, छुंदा हमारा रेडी हो गया है आम का। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये आम का छुंदा और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आम का छुंदा बनके तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी है और इसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी पूरी या पराठा के साथ। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एनडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।